हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी दी थी कि अगर आपके भी बच्चे जो है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, एक से लेकर कक्षा पाँच तक, तो उनके खाते में सरकार जो है जो 1200 रुपये भेजने वाली थी वो भेज रही है। यानी जो भी सरकार 1200 रुपये निर्धारित की है उनके ड्रेस खरीदने के लिए, उनकी कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए, जूते, स्वेटर, बैग, ये सब जो है आप 1200 रुपये खरीदने के लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे बच्चों के खाते में मिले भी हैं और ये सरकार भेज भी रही है। लेकिन हुआ क्या है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट है कि अभी आप लोगों के बच्चों के जो पैसे हैं वो खाते में आए ही नहीं हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि इसका क्या समाधान है। अगर आपके भी बच्चे के पैसे अभी तक खाते में नहीं आए हैं तो आपको तुरंत ये काम करना चाहिए। जो भी बच्चे का पैसा नहीं आया है, बस आपको छोटा सा काम कर देना है, इसके बाद जो है आपके खाते में पैसे वो आ जाएंगे। सरकार की तरफ से भी ये आदेश जारी किया गया है कि जिन भी बच्चों के पैसे उनके पेरेंट्स के खाते में अभी तक नहीं गए हैं वो लोग ये काम ज़रूर से करें, तभी उनके पैसे जाएंगे, वरना रुके ही रहेंगे। तो वो कौन सा काम करना है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को एक लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप इस वीडियो को पूरा फैला दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पैसे अभी मिले ही नहीं हैं। स्कूली ड्रेस बनवाने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो उनको मिल ही नहीं पाए हैं। तो कम से कम आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में 20 लोगों को ज़रूर से शेयर करिएगा मेरे भाई। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। देखिए, आपके बच्चे के अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं, इसको आप सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए, एकदम पूरा ये श्योर हो जाइए कि नहीं आया है बिल्कुल पैसा। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि सबसे पहले आप अपना जो है खाता चेक कर लीजिए। जो भी खाता नंबर आपने फोटोकॉपी करा के स्कूल में जमा किए थे, उस खाते नंबर को आप जो है चेक कर लीजिए कि वास्तव में जो है वहाँ पर पैसे आए हैं कि नहीं। उसका स्टेटमेंट निकलवा लीजिए बैंक द्वारा, और उसमें दिखा दिया जाएगा अगर इस यूनिफॉर्म लिखा होगा किसी भी पैसे में, तो वो समझ लीजिए पैसा आ चुका है। अगर नहीं आया है, अगर आपके घर में 2 बच्चे पढ़ते हैं तो 2400 रुपये आएंगे, अगर एक बच्चा पढ़ता होगा तो 1200 रुपये वहाँ पर लिखा होगा, और उसी के बगल में यूनिफॉर्म करके लिखा होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो पहले तो आपको अपना खाता नंबर जो है पूरा सिक्योर हो जाना है कि पैसा आया है कि नहीं, चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में देना है कि जो आपने आधार का झरोक्स दिया था, इस समय जो है DBT के माध्यम से पैसे जा रहे हैं। DBT का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। तो जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक लिंक होगा ना, उसमें भी ये पैसा जा सकता है। तो अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं तो आप दोनों को ज़रूर से चेक कर लीजिए। तो यहाँ से ये क्लियर कर लीजिए कि आपके खाते में सही में जो है पैसे आए हैं कि नहीं। ये क्लियर हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, स्कूलों में जाकर के शिकायत करनी है। स्कूलों का मतलब कि सभी स्कूलों में नहीं, जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में जाके आपको शिकायत दर्ज करनी है कि सर जी, अभी हमारे बच्चों का ये जो पैसा है स्कूली ड्रेस वाला, ये अभी नहीं आया है। तो इसके लिए जब आप शिकायत दर्ज करेंगे, शिकायत दर्ज करने के बाद आपको जो है वहाँ से एक समाधान मिलेगा कि वहाँ से आपको बताया जाएगा कि अगर आपका जो है पहले, तो वो भी लोग भी बोलेंगे कि पहले आप अपने बच्चों का खाता चेक कर लीजिए सही से कि आया है कि नहीं। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पर जो ना लिस्ट आ जाती है, लिस्ट आ जाएगी जिन भी बच्चों का अगर पैसा आया होगा ना, उस लिस्ट में नाम होगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा आया है कि नहीं। उस लिस्ट में आप नाम चेक करवा लीजिए। अगर आपके खाते में पैसे आए हैं और आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे, मतलब पैसा आया है कि नहीं, आप उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जैसे ही स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर जो लिस्ट आई है ना, उस लिस्ट में मास्टर जी ही खुद जो है चेक करके बता देंगे कि आपके पैसे, बच्चों के पैसे जो है चले गए हैं। और वो ये भी बताएंगे कि किस अकाउंट में चला गया है, ठीक है। चाहे आपका स्टेट में है, यूनियन में है, पंजाब में है, जिसमें भी आपका अकाउंट है, अगर 2 अकाउंट है तो दोनों में से जिसमें गया होगा वो बता देंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए उस लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आया है, वास्तव में जो है आपके पैसे नहीं मिले आपके बच्चों को, तो आप क्या काम करोगे कि पासबुक और आधार की दोबारा से फोटोकॉपी आपको जो है स्कूल में जमा करनी होगी। अगर जो है आपकी फोटोकॉपी स्कूल में होगी तो जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो फोटोकॉपी होती है ये भेज दी जाती है, अगर वहाँ पर होगी तो नहीं जमा करना होगा,
लेकिन अगर आपकी फोटोकॉपी और आधार की और पासबुक की वहाँ पर नहीं होगी तो आपको दोबारा से इसको फोटोकॉपी करवा के स्कूल में जो है जमा करवा देना है। इसके बाद दोबारा से जो है स्कूल की तरफ से ये फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पैसे नहीं आए होंगे तो आपके बच्चों को पैसे ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी घोटाला नहीं होता है कि किसी भी बच्चों को पैसे न मिलें। किसी कारणवश अगर आपके पैसे रुक गए होंगे तो उसका संशोधन करके आपके बच्चों को जरूर से पैसे दिए जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो भी आपके मन में क्वेश्चन रहे होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, वो सारे का समाधान आपको मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।